आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। शुक्राणु जनन प्रेरित होता है तो हम देखते हैं कि जो नर का क्या होता है, ब्रसन होता है। ब्रसन जो होता है, जो क्या होता है, नर जनन अंग। अब इसमें क्या होता है, शुक्राणु जनन की क्रिया होती है जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है। अब यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में कि इसको शुक्राणु जनन को प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है। तो पहला ऑप्शन है FSH। FSH हार्मोन को कहते हैं हम FSH। FSH हार्मोन को कहते हैं हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन होता है ये किससे स्रावित होता है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि उससे ये स्रावित होता है। एवं हम देखते हैं कि ये जो हार्मोन होता है ये क्या कार्य करता है, ये पुरुष में, यानी कि हम कहते हैं पुरुष के जो क्या होते हैं, ब्रसण होते हैं, ब्रसण को शुक्राणु जनन के लिए, शुक्राणु जनन के लिए क्या करते हैं, ये हार्मोन प्रेरित करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही है इस प्रश्न के हिसाब से, तो ये ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन हम दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ACTH। ACTH हार्मोन जो है, यहाँ पर लिखे ACTH, जो ACTH हार्मोन है इसको हम कहते हैं एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसको कहेंगे। और ये किससे स्रावित होता है, जो पीयूष ग्रंथि की इंटीरियर इंटीरियर लोब जो होती है उसके द्वारा ये स्रावित होता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये क्या करता है, ये हार्मोन का कार्य क्या है, ये जो ये स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन इनका क्या करेगा, ये हार्मोन नियमन करता है, इनका क्या करता है, नियमन। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये शुक्राणु जनन को प्रेरित नहीं करता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ICSH। ICSH के बारे में देखते हैं, जो ICSH ये महिला में अगर उपस्थित होता है तो इसको कहेंगे ICSH, लेकिन यदि ये पुरुष में उपस्थित है तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, LH हार्मोन, यानी कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन इसको कह सकते हैं। अब ये जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है ये भी कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। एवं हम देखते हैं कि ये जो हार्मोन होता है ये क्या कार्य करता है, जो प्रसरण की अंतराली क्या होती है, प्रसरण की क्या होती है, अंतराली कोशिका जो होती है, अंतराली कोशिका जो होती है ब्रसण की, उनको उनको प्रेरित करता है, किसके लिए उनको प्रेरित करेगा, टेस्टोस्टेरोन, 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 स्टेरोन हार्मोन के स्रावण के लिए। ठीक है, ये क्या है, नर हार्मोन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये किसका कार्य नहीं करता है, ये शुक्राणु प्रेरित का कार्य नहीं करता है। अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है LTH। तो LTH की यहाँ पर देखें, LTH को हम कहेंगे LTH। तो LTH को क्या कहते हैं, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन इसको कहेंगे। अब ये इनमें मादा, ये पीयूष ग्रंथि से होता है स्रावित, ये क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये क्या करता है, जो मादाओं में उपस्थित होता है ये हार्मोन। एवं हम देखते हैं मादाओं में किसका कार्य करता है, मादाओं के अंदर ये जो प्रोलैक्टिन का कार्य करता है, प्रोलैक्टिन का कार्य करेगा। ठीक है, यानी कि पीयूष ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन का कार्य करेगा, यानी कि स्तन ग्रंथि से दुग्ध स्रावण को प्रेरित तो ये करेगा, इसको दुग्ध स्रावण को क्या करता है, ये स्त्री के अंदर प्रेरित। तो ये किसमें होता है, ये स्त्री के अंदर होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा FSH हार्मोन, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, ग्रसण को प्रेरित करता है शुक्राणु जनन के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।